नमस्कार, पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का शुक्रवार 8 नवंबर को आखिरी वर्किंग डे था। सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से अधिक के कार्यकाल के आखिरी दिन उन्होंने 4:3 बहुमत से एस अजीज वाशा बनाम भारत संघ के 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। यानी उन्होंने अपने आखिरी कामकाज के दिन भी महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और 7 जजों की बेंच में शामिल होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे 23 संविधान पीठों का हिस्सा थे और इस दौरान उन्होंने 612 फैसले लिखे। वे 10,294 पीठों का हिस्सा थे और उन्होंने विभिन्न विषयों पर फैसले सुनाए। दरअसल मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था और नवंबर 2022 में वे मुख्य न्यायाधीश बने। उनके कार्यकाल के दौरान उनके निर्णयों में गोपनीयता, संघवाद और यहां तक कि मध्यस्थता जैसे विषयों पर भी चर्चा होती रहती है। उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले सुनाए जो कई बार चर्चा का विषय बने। बताया जाता है कि DY चंद्रचूड़ के काम करने का अंदाज कई सीनियर वकीलों के लिए ईश्वर्या का विषय था, जो उनसे बार बार उस अमृत का रहस्य जानना चाहते थे जिसे पीकर वह अपनी यह बचपन वाली मुस्कान बरकरार रखे हुए हैं। SCAORA के अध्यक्ष बिपिन नायर ने इस रहस्य का खुलासा करते हुए बताया कि अनुशासित जीवन और सुबह नियमित योग करना ही इसका राज है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही संबंधी कई तकनीकी बदलाव किए, जिसने वकीलों के साथ ही याचिकाकर्ताओं को भी बड़ी सुविधा प्रदान की। इसने पूरी प्रक्रिया को न केवल सहज बना दिया है बल्कि इसे मुकदमेबाजी के लिए और भी ज्यादा अनुकूल बना दिया है। वहीं नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए गठित किए जाने वाले ट्रस्ट को सौंप दिया जाए और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए साइट के पास या अयोध्या में किसी उपयुक्त प्रमुख स्थान पर अधिग्रहित भूमि में से 5 एकड़ जमीन दी जाए। इसके अलावा चंद्रचूड़ के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की पहली 3 अदालतें पूरी तरह से भविष्य की अदालतों में बदल गई है, सभी नई तकनीक के साथ और अब एक कागज रहित अदालत है। न्यायाधीशों के मंच पर अब दस्तावेज पढ़ने के लिए न्यायाधीशों के सामने नई स्मार्ट पॉप स्क्रीन है। कोर्ट रूम में कानून की किताबों की जगह डिजिटल लाइब्रेरी ने ले ली है। निर्बाध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए न्यायाधीशों के लिए कोर्ट रूम की एक दीवार पर 120 इंच की स्क्रीन लगाई गई है। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी .com पर। नमस्कार।